उपयंत्री के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर आक्रोशित सब इंजीनियरों ने जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस कप्तान मुकेश श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल निवाड़ी जिला अंतर्गत पृथ्वीपुर जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री रोहित जैन के साथ हुई मारपीट को लेकर आक्रोशित मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष इंजीनियर ओपी दुबे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अक्षय कुमार और पुलिस कप्तान मुकेश श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि 10 जून को निवाड़ी अंतर्गत पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के पदस्थ उपयंत्री रोहित जैन के साथ गाली गलौज और मारपीट करने वाले युवक को जल्द गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। मोहनगढ़ से अब्दुल शुक्ला की रिपोर्ट। गाली गलौज और मारपीट की गई, वहाँ के असामाजिक तत्व हैं जो अपने आप को इतना बड़ा गुंडा समझते हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष रूप से ग्राम पंचायतों में शासन की प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीणों को मजदूरों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं और अपनी ना कोरोना बीमारी देख रहे हैं ना धूप देख रहे हैं, उसको हम लोग एक अभियान के रूप में लेकर के शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और वह अनैतिक दबाव देकर के गलत कार्यों का एस्टिमेट बनवाना चाहते थे जिसकी उन्हें पात्रता नहीं है और ना ही वो कोई कार्य एजेंसी है और ना ही हमारे विभागीय कोई वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश हैं कि कोई भी आकर के कहे कि हमारा एस्टिमेट बना दो हम बना दें। ये लगभग 3-4 दिनों से लगातार संजीव रावत दबाव डाल रहा था और कल जब ये शासकीय काम जनपद पंचायत कार्यालय के सामने कंप्यूटर कक्ष में कर रहे थे तो वहाँ आकर के तेज़ गालियाँ देने लगा और ये जो कागज़ टाइप करके रखे थे उसमें माप पुस्तिकाएँ भी थी, कुछ जो है एस्टिमेट वगैरह भी थे, वो उसने फाड़ दिए और इनकी कालर पकड़ के इनको बुरी तरह से मारा पीटा और धमकी देते हुए वहाँ से भाग गया। अब आप लोगों ने क्या मांगे? हम लोगों की प्रथम मांग थाने में जाकर के संबंधित हमारे रोहित जैन साहब ने शिकायत दर्ज कराई, उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई, उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे। दूसरा ये भी आए थे कि जो लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये थी कि इस प्रकार से ग्रामीण विकास के जो भी इंजीनियर्स हैं क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और असामाजिक तत्व मिलकर के हमेशा दबाव बनाते हैं जिससे हम उपयंत्रियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ है और इस ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिला समिति निवाड़ी के माध्यम से हम लोग ये ज्ञापन में मांग किए हैं कि हम सब लोगों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शीघ्र से अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए जिससे एक माहौल ये बन सके कि शासकीय सेवा में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बिना भय और उसके काम कर सके। इसी के लिए ज्ञापन देने आज कलेक्टर महोदय को देने आए थे, SP महोदय को दिया है और अपने मध्य प्रदेश लेवल पर हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है उसको भी कॉपी दे रहे हैं, जिला पंचायत CO जो निवाड़ी और टीकमगढ़ के जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।